हे गाइस, आप लोगों का प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्तल के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3। यानी इससे पहले पार्ट जो पार्ट 2 वीडियो करके आया है उसमें हम लोगों ने मित्तल के कुछ सवाल को हल कर लिए हैं। तो मित्तल के जो और कुछ सवाल हैं वो आज हम लोग हल करने वाले हैं। वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो है चल रहा है, चैप्टर का नाम है। तो गाइस, सवाल स्टार्ट करने से पहले या आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, केवल आप लोगों की प्यार की जरूरत है गाइस। तो आप लोग इस चैनल के साथ और हम लोगों के साथ जो है प्यार अपना बनाए रखिएगा। तो आज की वीडियो को जो है आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि लगे कि आपने जो है शेयर किया है गाइस। तो उम्मीद के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक नए एनर्जी के साथ, एक नई उमंग के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग जहां सवाल छोड़े थे वहीं पर इस सवाल को चल रहे हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर जो है जो वहां पर था 20 तक था, उसके बाद शायद 21 नंबर है, अगर आप क्रम मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर का। समान आकार की दो सुचालक गोले, समान आकार की दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, आप पढ़ सकते हो ठीक। दो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है और तथा वे एक दूसरे को 5×10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला सी पहले ए से स्पर्श कराया जाता है और फिर बी को स्पर्श कराया जाता है। तो आगे पूछ रहा है, इसके पश्चात गोले ए और बी के बीच में रख दिया जाता है, तो भाई गोले सी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो ठो सुचालक गोला है भैया। एक गोला ए है, एक गोला क्या है बी है। ध्यान दीजिएगा, एक गोला ए है और एक गोला क्या है बी है, ये गोला ए एक गोला बी ठीक। इनके बीच जो लगने वाला बल है वो 10⁵ न्यूटन है। इनके बीच जो लगने वाला बल है तो इनके बीच लगने वाले बल को एफ ए बी से व्यक्त कर देते हैं। 10⁵ न्यूटन का बल लग रहा है ए और बी के बीच। ध्यान से समझिएगा, सवाल जरा सा भी हार्ड नहीं है। और एक दोनों पर समान आवेश है, तो माना ए पर भी आवेश क्यों है, बी पर भी आवेश क्यों है। तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर की तरफ ठेल रहे हैं गाइस। तो आगे कह रहा है कि एक तीसरा गोला जो सी है उस पे भी समान आवेश है। यहाँ जो तीसरा गोला सी है आपके पास, ये गोला सी है जिस पे समान आवेश यानी क्यों है। अब ये कह रहा है कि आप एक बार बी से संपर्क करा लो, एक बार ए से संपर्क करा लो। संपर्क कराने के बाद इस गोले सी को इसके बीच में रख दो यार, तब सी पर लगने वाला कुल नेट बल क्या होगा वही आपको ज्ञात करना है। सवाल कुछ समझ में आया? तो सबसे पहले मुझे बल ज्ञात करने के लिए हमको जो है मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए? आर का मान पता होना चाहिए। तो चले आर का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच लगने वाला बल, पहले अभी हम लोग स्थिति लिखते हैं कि ए और बी के बीच लगने वाला बल, ये अभी यहाँ है, बीच में हमने इसको नहीं रखा है। ध्यान दीजिएगा, इसको बीच में रखेंगे जब स्पर्श करा लेंगे तब। सबसे पहले ए व बी के बीच, गोले ए व बी के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम से हम लोग निकालेंगे लगने वाला बल। एफ ए बी बराबर हमने पढ़ा के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर ठीक। तो ध्यान दीजिए, के का मान कितना है, के का मान आपके पास पता होना चाहिए, 9×10⁹ होता है। क्यू वन और क्यू टू तो इस पर भी आवेश क्यू है, इस पर भी आवेश क्यू है, क्यू इन टू क्यू हो गए, बटे आर स्क्वायर। एफ ए बी का मान कितना है, 10⁵ न्यूटन है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो आर स्क्वायर 10⁵ बराबर 9×10⁹, क्यू का गुणा क्यू से कर दिए, क्यू स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब आप इनको इधर ले जाइए,
तो आपको आर स्क्वायर का मान मिलेगा 9 × 10⁻⁹ Q² ये इधर आए तो 10⁻⁵ में हो गए, ये चीज़ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान 9 × 10⁹ Q² ये 5 ऊपर गए तो प्लस 5 हो गए, तो 9 × 5 कितने हो गए 14, तो आर स्क्वायर का मान आया 9 × 10⁻⁹ × Q² 10⁻¹⁴ हो गए थे ना, तो यहीं कर लो 9 × 5 = 14, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई गाइस, ध्यान दीजिएगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आइए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है कि सी को पहले ए के संपर्क में लाया गया, सी को ए के संपर्क में लाने पर, सी को ए के संपर्क में लाने पर, ध्यान दीजिएगा संपर्क में लाने पर, सी को ए के संपर्क में लाने पर, चलिए तो सी को ए के संपर्क में लाते हैं तो आपको पता है जब ये गोला इस गोले के संपर्क में आएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बट जाएगी, ध्यान दीजिएगा दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो हमने क्या बताया, आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि दोनों गोले पर इस पे भी आवेश क्यों है, इस पे भी आवेश क्यों है, तो दोनों पर आवेश आवेश की मात्रा समान है तो दोनों पर आवेश बराबर रूप से बट जाएगी। तो जब C को A के संपर्क में लाएंगे तो C पर आवेश की मात्रा, C पर आवेश की मात्रा लाने पर C पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q/2 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा Q/2, क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दोनों का आवेश बट जाएगा, एक पर कितना हो जाएगा Q/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा Q/2। पुनः एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा सवाल को, ध्यान दीजिए C पर आवेश नहीं है, C पर आवेश आपका नहीं है, ध्यान दीजिए हम लोगों ने थोड़ा सा सवाल पे ध्यान नहीं दिया, C पर आवेश नहीं है, तो C पर आवेश नहीं है तो C को जब हम A के संपर्क में लाएंगे तो C और A पर आवेश बट जाएगा, अर्थात जितना C पर आवेश की मात्रा हो जाएगी उतना A पर भी आवेश की मात्रा हो जाएगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा गाइस, ध्यान दीजिएगा जितना C पर आवेश की मात्रा है उतना अब A पर भी हो जाएगा, A पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, A पर आवेश की मात्रा हो जाएगी Q/2। अब C को B के संपर्क में लाते हैं, C को किसके संपर्क में लाते हैं, B को, C को B के संपर्क में लाने पर, C को B के संपर्क में लाने पर C व B पर आवेश, C व B पर आवेश क्या होगा, दोनों पर आवेश बट जाएंगे, ध्यान दीजिए किसी भी दो आवेश को संपर्क में लाओगे आवेश समान रूप से दोनों में बट जाते हैं, तो C पर आवेश कितना है गाइस, देखिए Q/2 कितना है 2 है, Q/2 कितना है 2 है, और B पर C को B के संपर्क में लाया गया तो ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब आपने C को B के संपर्क में लाया तो B पर आवेश कितना है, ध्यान दीजिएगा तो जब C को B के संपर्क में लाया गया तो C और B पर आवेश क्या हो जाएगा, इस पे आवेश Q/2 था तो इसका भी आधा हो गया, इसका आधा हो गया तो क्या आ गया Q/4, अर्थात अब आपको क्या मिला, C और B पर जो आवेश की मात्रा आ गई वो क्या आ गई Q/4 आ चुकी है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि C को A और B के बीच रख देते हैं, गोले C को A व B के बीच रखने पर लगने वाला कुल बल ध्यान दीजिएगा लगने वाला कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, इनके द्वारा इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पे, ध्यान दीजिए यदि इमेजिन किया जाए कि ये गोला सी जो है ये गोला सी इस बार यहाँ ला के रख दिया जाए तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल हो जाएगा FAC, क्या हो जाएगा FAC, और इसके द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा FBC,
ठीक, सबके मान रख देते हैं। एफ ए सी बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी वही हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा के क्यू वन बटे के क्यू वन क्यू टू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप क्या करोगे गाइस, के और के क्या है कॉमन है, के क्या है इनमें कॉमन है, तो आपके सामने Q1 बच जाएगा, क्या बचेगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक मिनट ध्यान से समझिए, यहाँ जो R है वो बीच में रखा गया है तो वो R बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी R थी इनके बीच में वो दूरी अब बट गई ना, आधी दूरी इधर हो गई आधी दूरी इधर हो गई, तो जहाँ R है वहाँ हम लोग R बटे दो करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर भी वही कर देंगे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R बटे दो का होल स्क्वायर। आइए सबको मान रखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका क्या है दोनों में कॉमन हो चुका है, आगे Q1 Q2 का मान रखते हैं, तो Q1 के स्थान पे यहाँ क्या कर लीजिए QA कर लीजिए, Q2 के स्थान पे QC, और फिर यहाँ Q1 के स्थान पे क्या कर लीजिए QC, यहाँ QB। तो आपको आसान रहेगा कि QC QB यानी C और B पर आवेश, और QA और QC यानी A और C पर आवेश। तो चलिए C, अब देखिए A पर आवेश, तो A पर आवेश कितना है Q बटे दो है, तो यहाँ रखते हैं K, फिर क्या आ जाएगा Q बटे दो, फिर कितना है भैया C पर आवेश, तो C पर आवेश कितना है, C पर आवेश कितना है ध्यान दीजिए, अब C पर आवेश आ गया है क्यू बटे चार, क्यू बटे चार और बटे ध्यान दीजिए फिर यहाँ कितना R, तो R स्क्वायर कर लेंगे, R स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा चार, आराम से हल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखिए QC पर आवेश कितना है, QC पर आवेश है क्यू बटे चार, और QB पर भी आवेश कितना है क्यू बटे चार, और यहाँ क्या करेंगे R स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा चार। तो इनको हल करते हैं, ये आएगा K, यहाँ Q का Q से गुणा किए आप Q स्क्वायर आ गया, चार दूनी कितना हो गया आठ। अब इनका वर्ग किए तो ये R स्क्वायर और ये बटे कितना आ गया चार, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस ये Q का गुणा Q से किए Q स्क्वायर, चार चौके सोलह, और ये आ गए R स्क्वायर बटे कितना चार। ठीक, तो आप देखिए ये काट सकते हैं, चार इक्के चार, चार दूनी आठ, चार इक्के चार, चार चौके सोलह। तो आपके सामने लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, K का मान रखा जाए तो नौ गुणे दस घाते नौ, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा है देखिए आपके सामने क्या बचा है आप देख पा रहे होंगे, तो Q स्क्वायर बचा है Q स्क्वायर, उसके बाद बटे कितना बचा है दो आर स्क्वायर, दो आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा है Q स्क्वायर बटे चार आर स्क्वायर। सबका मान आप रख दीजिए केवल बस, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से क्या आपका कुछ कॉमन हो सकता है, जी बिल्कुल कॉमन आप ले सकते हैं, R का मान रखते हैं जरा सा, R का मान कितना है देखिए आर स्क्वायर का मान है नौ गुणे दस घाते चौदह गुणे क्यू स्क्वायर, यहाँ रख के हल करते हैं, तो नौ गुणे दस घाते नौ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को पड़े रहिए रहने दीजिए बटे कितना है दो, आर स्क्वायर का मान कितना है नौ गुणे दस घाते चौदह गुणे क्यू स्क्वायर, कितना क्यू स्क्वायर प्लस वही क्यू स्क्वायर, यहाँ भी नोट करते हैं यहाँ चार है गुणे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान यहाँ पड़ा है ना देखिए नौ गुणे दस घाते चौदह गुणे क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने ये बचा, आप ये देखिए नौ गुणे दस घाते कितना हो गया नौ। अब यहाँ आपके सामने एक बचे एक बटे, देखिए कुछ कॉमन है अगर आप ध्यान से समझिए, तो 9 गुणे दस घाते चौदह, 9 गुणे दस घाते चौदह आपके क्या है गाइस यहाँ से कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो आप क्या कीजिए कि इसको भी कॉमन लीजिए, तो इनको कॉमन लेंगे तो एक बटे नौ गुणे दस घाते चौदह आ जाएंगे। अब क्या बचा है एक बटे दो बचा है, और यहाँ एक बटे कितना बचा है चार बचा है, देखिए ये नौ से नौ कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा आपका पाँच बचा, कितना बचा पाँच, ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये 10 घाते कितना आ जाएगा माइनस 5, और यहाँ 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 दूना 4 तो 2 आ जाएंगे, 4 के 4 तो 3 आ जाएंगे, कितना आ गया 3/4, 3/4 गुणे 10 घाते माइनस 5, 10 घाते कितना आ गया गाइज यहाँ माइनस 5 आ गए। चलिए गाइज ध्यान देते हैं, अब हम लोग इनको इससे डिवाइड करते हैं, इनको इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आप जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.75 आ रहा है, इनको डिवाइड किए तो 0.75 गुणे 10 घाते माइनस 5। अगर हम इस पॉइंट को एक अंक इधर लेके चले जाएं तो 7.5 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन आएगा, ये आपका टोटल बल निकल के आएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा ये आपका इस प्रकार टोटल बल निकल के आ गया। आपको करना क्या था, सवाल आपका जरा सा भी लंबा नहीं है गाइस, ध्यान दीजिएगा आपसे कह क्या रहा था, ए और बी दो ठो गोले हैं, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, तो इनके बीच 10 घाते माइनस 5 न्यूटन का बल लग रहा था। तो आपने किया क्या कि वहाँ से आर इस आर की मान निकाले, आर स्क्वायर का मान आपको ये मिला, फिर कहा कि कोई एक गोला सी है, कोई एक गोला सी है, एक बार ए के संपर्क में लाया गया, ए के संपर्क में लाए तो सी और ए पर आवेश की मात्रा आधा आधा हो जाएगा, तो सी पर भी क्यू बटे दो हो गए, ए पर भी क्यू बटे दो हो गए। फिर इसी सी को बी के संपर्क में लाया गया तो सी पर तो पहले से ही क्यू बटे दो था तो उसका आधा हो गया, क्यू बटे चार हो गए, तो बी और सी पर आवेश हो गए क्यू बटे चार। अब कह रहा है इसको आप बीच में रख दीजिए और इनके इन दोनों के कारण इस पे लगने वाला कुल बल, तो इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाले बल का मान एफ ए सी और एफ बी सी निकाल लिए और हल कर दिए, तो आपका ये आ गया 7.5 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन। तो गाइस आप इसका वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आप नोट कीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, दो ठो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस 9e है तथा एक प्लस e है, ध्यान दीजिए आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न, पढ़ लीजिए, दो ठो बिंदु आवेश है, ठीक थोड़ा सा छोटा था, छोटा बिंदु आवेश बनाते हैं, दो ठो बिंदु आवेश है, एक पर 9e है और एक पर क्या है e है, एक पर 9e है और एक पर e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ए और बी के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश कहाँ पर रख दें, इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ पर रख दें कि लग रखा जाए वह संतुलन में हो, यानी इनके बीच कोई एक आवेश क्यों है उसको आप कहाँ पर रखोगे कि उस पर विद्युत क्षेत्र का मान इसके और इसके द्वारा लगने वाला मान बराबर हो। तो भाई हम मानते हैं वो बिंदु, मान लेते हैं वो बिंदु C है जिस पे Q आवेश को रख दिया जाए तो लगने वाला विद्युत क्षेत्र का मान संतुलन होगा अर्थात बराबर होगा, बात समझ आ रही है, तो मानते हैं वो B से x मीटर की दूरी पर, B से x मीटर की दूरी पर है, तो भाई इधर x हो गए तो ये जो बची दूरी है ये 16 माइनस x हो जाएगा, इतनी बातें आपको ज़रूर समझनी चाहिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मानते हैं माना q आवेश को, माना q आवेश को बिंदु C पर रखें, बिंदु C पर रखें रखें जिस पर जो कि बी से एक्स जो कि बी से एक्स सेंटीमीटर दूरी पर है, एक्स सेंटीमीटर दूरी पर है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान संतुलन रहेगा या समान रहेगा, ठीक विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, आप सवाल को समझिएगा कि अर्थात ये माइनस 9e जो है इस पे जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उतना ये भी इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अर्थात C पर
उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा ए के कारण ये हो जाएगा और बी के कारण ई बी हो जाएगा, दोनों का मान समान हो जाएगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, अब ई ए का फार्मूला हम जानते हैं, 1/4πε0 क्यू ए बटे आर स्क्वायर होता है, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बी बटे आर स्क्वायर। ठीक, दोनों बराबर हो गए। अब भाई इनकी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यू ए का मान कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन बटे आर स्क्वायर। आर कितनी है भैया, 16 माइनस एक्स है, स्क्वायर कर लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू बी कितना है, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है और आर कौन है, एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब हम करते क्या है, यहाँ हल करते हैं। तो ये आगे ऊपर 9e, नीचे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्रसार कर देते हैं, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 16 का वर्ग करोगे गाइस तो 256, इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 32x, माइनस 32x, क्योंकि माइनस 2ab होता है ना, बराबर ई बटे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ई बटे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करते क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई हम लोग इनसे कर देंगे। आइए हल करते हैं। चलिए तो इनको हल करेंगे, तो e का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इनका इनसे गुणा करेंगे तो 9ex² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9ex², देख रहे हैं ना, कितना आ जाएगा, 9ex². या तो आप कीजिएगा गाइस, ध्यान दीजिए, ये ई यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 9 की झंझट खत्म हो जाएगी। तो 9 का गुणा x से करोगे तो 9ex² आ जाएगा, बाकी इधर सबका गुणा कर दोगे तो एक आ जाएगा 256, क्योंकि इधर एक है ना, तो प्लस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आया, फिर माइनस कितना है, 32x। ध्यान दीजिएगा, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, इनको सबको इधर बुलाते हैं, तो ये 9ex², ये इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, वो इधर आया तो प्लस 32x, ये माइनस 256 बराबर 0। सब इधर आए तो प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 9 में से एक घटा दोगे भाई, 8ex² प्लस कितना है, 32x माइनस 256 बराबर 0। देखिए 8 से सब में भाग जा सकता है, 8 से भाग दे देते हैं, 8 से भाग देने पर भाई जब 8 से भाग दोगे तो 8×8 यानी x² आएगा, 8×4=32 यानी 4x, यहाँ 8×3=24, एक बचा 8×2=16, 32 = 0। तो आपने भाग दे दिया, ये आ गया। अब हमको इसका गुणनखंड करना, 32 का गुणनखंड ऐसा करना जिससे कि 4 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर गुणनखंड करते हैं। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड करने सबको आता होगा गाइज, x² प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 = 0। जिनको नहीं आता, 32 का हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे, तो 8×4=32, 8 में से 4 घटा दिए, 4 आ गया, ठीक वही लिखा गया है। अब क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन था, x प्लस 8 आ गया, यहाँ दोनों में माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ माइनस बाहर हो चुका है, प्लस 4×8=32 यानी 8 आ गए बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 8 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 8, अगले में क्या कॉमन है, x माइनस 4 बराबर 0। एक बार x प्लस 8 बराबर 0 करते हैं, 8 उधर गया तो क्या आ गया, x बराबर माइनस 8, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं, x बराबर क्या आ गया, 4। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये दूरी ये माइनस है तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी है वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। तो x बराबर कितना आ गया, 4, यानी b से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, और a से 16 में से 4 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो लिखते हैं, b से कितना, 4 सेंटीमीटर ना, b से 4 सेंटीमीटर तथा a से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु C है, स्थित बिंदु क्या है, C है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, जिस पर
विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा, यही पूछ रहा था। आप इसे ऐसे हल कर सकते हो गाइज, ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। गाइज अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, काफ़ी मेहनत किए जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन इस क्रम में क्या है, 23 नंबर कह रहा है कि दो ठो बिंदु आवेश क्रमशः 5×10⁻¹⁹ कूलाम तथा 10×10⁻¹⁹ कूलाम 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। सबसे पहले दो ठो बिंदु आवेश बना लेते हैं। Q1 का मान आपको दिया है, Q1 का मान दिया है 5×10⁻¹⁹ कूलाम, Q2 का मान है 10×10⁻¹⁹ कूलाम, ध्यान दीजिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, बीच की दूरी इनके कितनी है, 1 मीटर है। बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, अर्थात ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की। आगे कह रहा है कि भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हम मान लेते हैं, वो रेखा क्या है, वो बिंदु सी है। ये ए था, ये बी था, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से मानते हैं ए से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। ए से एक्स दूरी पर है तो ये दूरी 1 माइनस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये दूरी 1 माइनस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो लिखेंगे, माना वो बिंदु क्या है, सी है। माना वह बिंदु क्या है, सी है, जो कि ए से एक्स मीटर की दूरी पर है, एक्स मीटर की दूरी पर है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, ध्यान दीजिएगा, समान होगा। तो हम करते क्या हैं इसके लिए, ए अब ध्यान दीजिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है ये, ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ए और बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ए बी हो गए। इसका फार्मूला के क्यू ए बटे आर स्क्वायर, इसका फार्मूला के क्यू बी बटे आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए का मान कितना है 5×10⁻¹⁹, आर इसके लिए कितना है, एक्स है भैया, कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू बी का मान कितना है, 10×10⁻¹⁹, इसके लिए आर का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये 10×-19 से कैंसिल, 5×5 × 10। तो आपके सामने क्या बचा गाइस, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने बचा है 1/(1)x²। साथ में क्या बचा है, 2/(2)-x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x²=1 − x²। तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, 2 को इधर की तरफ भेज देते हैं तो x² आ जाएगा 1 − x²/2। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कर्णी लग जाएगा तो x= क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर कर्णी लगेगा तो 1 − x²/2 कर्णी/2। तो ये कर्णी से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, x = 1 − x/(2)। ये आ गए। अब आप करोगे क्या, ध्यान से समझिएगा, x = 1 − x/(2)। अब आप क्या करोगे गाइस, अब आप कीजिए क्या, 1/(1) कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कर्णी में 2x = 1 − x आ गए, इनका इनसे मल्टीप्लाई, तो x इधर आया तो कर्णी में 2x + कितना आ गया, x = उधर कितना बचा, 1। दोनों में x कितना है, दोनों में x क्या है, कॉमन है, तो इधर बचा कर्णी में 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 हो गए = 1। x की वैल्यू चाहिए तो इनको 1/(1) कर देंगे तो x = 1/(1)-1
कड़ी में दो प्लस कितना आ जाएगा एक, तो गाइज इसको आप हल करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा 0.414 मीटर। अंडर रूट दो का मान आप 4.1 रख के हल करेंगे तो एक्स का मान इतना आ जाएगा, ये मीटर में आया है। अगर हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो दो पॉइंट आप इधर ले जा सकते हो। क्या करोगे गाइज, ध्यान दीजिएगा कि इनको हम लोग दो पॉइंट इधर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो हम इनको लिख सकते हैं, ध्यान ठीक भैया। तो हम करते क्या हैं, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो। इसे लिख देंगे x बराबर कितना 41.4 सेंटीमीटर। 100 का गुणा कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा ना, तो ये तो जैसे 100 का गुणा करोगे पॉइंट दो अंक इधर आ जाएगा, तो 41.4 सेंटीमीटर, अर्थात वो 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ए से। कहाँ से, ए से। ध्यान दीजिएगा आपको कुछ नहीं करना था गाइज, आपने माना वो बिंदु सी ए और बी से, बिंदु सी है जो कि ए से एक्स मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाएगी, यही मानना है ठीक गाइज। ध्यान दीजिएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो आपने क्या किया, लिखा यही, फिर इस पे इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके द्वारा इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों इक्वल है, तो हमने फार्मूला लगाया, हल किया गाइज। तो इस प्रकार यहाँ पर हल करने के बाद आपको उत्तर मिला x बराबर 0.414 मीटर। क्या आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप दोबारा इसको देखिएगा, अगर तब भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे गाइज। चलिए गाइज ध्यान देते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है, क्रम नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, कौन सा क्रम नंबर है ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है, 24 नंबर है क्या साथ। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश जिसके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम है, तो ध्यान से समझिएगा, दो बिंदु आवेश हैं जिनका मान कुछ इस प्रकार दिया गया है, Q1 का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ कितना है 1 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश रखा गया है, यहाँ -0.25 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। अब दोनों को, दोनों 0.40 मीटर की दूरी पर हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों 0.40 मीटर की दूरी पर हैं, हम इनको 0.4 भी कह सकते हैं, कोई मतलब है नहीं जीरो का मतलब, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ 0.4 भी कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, तो गाइज इस प्रकार का सवाल अभी आप लोगों ने इससे पहले देखा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है, तो ए पर आवेश जो है वो QA है, QA का मान 1 माइक्रोकुलाम है, इनको चेंज कर देंगे तो 1×10⁻⁶ हो जाएगा, और B पर आवेश जो है QB है वो कितना है -0.25×10⁻⁶ कितना हो जाएगा 6 ठीक। माइनस यहाँ ये बता रहा है कि ऋणात्मक आवेश है, ये क्या है धनात्मक आवेश है, तो सबसे पहले स्थिति मानते हैं गाइस हम लोग क्या मानते हैं जानते हैं, वो मानते हैं माना बिंदु C अगर क्या करते हैं गोले के इन दोनों आवेशों के कहीं पर रखते हैं, तो ध्यान दीजिए यदि हम माने कि वो बिंदु C यहाँ पर रख दें तो प्लस क्यू आवेश होगा, तो सोचिए अगर हम यहाँ प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो ये प्लस वाला इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ ठेलेगा ठीक, और ये माइनस वाला भी इसको अपनी ओर ही खींचेगा, तो दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो जाएगी गाइस। तो जब दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो जाएगी तो बल का मान शून्य कभी नहीं हो सकता, तब बल तो आपस में जुड़ जाते हैं, जब दिशा एक ही हो गई तो बल आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो दिशा विपरीत होगी तभी बल शून्य होने की स्थिति है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो बिंदु सी है ये इसके मध्य में कहीं पर रखने पर बल शून्य होने वाला नहीं है, हम मानते हैं माना वो बिंदु सी का यहाँ पर है, माना वो बिंदु सी यहाँ पर है जिस पे लगने वाले बल का परिणामी शून्य हो जाएगा। मान लेते हैं वो बी से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, बी से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर हो, तो यहाँ से यहाँ तक आर दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में ये जुड़ जाएगी 0.4 प्लस क्या हो जाएगा आर, यानी ए से सी के बीच की दूरी ये हो जाएगी, बात समझ में आई। अब आइए देखिए सी पर बल का मान कैसे शून्य होगा, आप वहां देखिए सी पर बल क्या होगा, ध्यान दीजिए सी पर बल क्या हो जाएगा
ये माइनस है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखोगे आप, क्या रखोगे, प्लस क्यू आवेश रखोगे, परीक्षण आवेश रखोगे। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा एफ बी मान लेते हैं, और ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा मान ली एफ ए। बात समझ में आया, तो एफ ए और एफ बी सी पर लगने वाले बल दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि इस बिंदु सी पर इसके और इसके द्वारा लगने वाले बल का मान समान हो गया, जिसके कारण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मानेंगे क्या लिखते हैं, माना वह बिंदु सी है, माना वह बिंदु क्या है, सी है, जिस पर बल का परिमाण, जिस पर बल का परिमाण या बल का मान बराबर है, बल का मान क्या है, बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो सी पर लगने वाला बल हो जाएगा एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। तो चलिए एफ ए का मान क्या रखेंगे, हमने पढ़ा है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ क्यू ए और क्यू बी कर लेते हैं, यही हाल यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू ए क्यू बी बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा गाइस, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब एक मिनट आप अच्छे तरह, चलिए अगला रखते हैं, यहाँ एक मिनट गाइस, यहाँ क्यू वन फिर क्या रख देते हैं, क्यू टू रखते हैं, फिर एफ बी का मान क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपान कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो चलिए आर का मान रखते हैं और क्यू वन क्यू टू का मान रखते हैं, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू वन का मान कितना है, ये है आपका क्यू वन ही क्यू ए है और क्यू टू ही क्या है, क्यू बी है। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, क्यू टू नहीं इसको मान सकते, हम लोग इस चित्र से देखेंगे क्यू वन क्यू टू क्या काम कर रहा है। देखिए ये क्या है, ए और सी के बीच, तो ए के बीच ये क्यू वन है और क्यू टू कौन है, ये है क्यू वन, ये है क्यू टू आपका, ये है। तो चलिए क्यू वन का मान कितना है, एक गुणे दस घाते माइनस छः, और क्यू टू का मान क्या है आपका, क्यू है बटे आर, तो आर कितनी है भाई, जीरो दशमलव चार प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर। इधर चलिए क्यू वन का मान इस बार कौन है, 0.25 गुड़े क्यू टू का मान, फिर वही क्यू है गुड़े कितना हो गया, 10 घाते माइनस 6 है ना, देखिए 0.25 गुड़े 10 घाते माइनस 6 बटे आर, तो बीच की दूरी वही है आर स्क्वायर। अब हम करते क्या है, ये क्यू से कैंसिल, ये 10 घाते माइनस 6 10 घाते माइनस 6 से कैंसिल, तो इधर आपके सामने क्या बचा है, ध्यान दीजिए, इधर आपके सामने बचा है एक बटे, क्या बचा है, एक बटे 0.4 प्लस आर का होल स्क्वायर, 0.4 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरा क्या बचा है, दूसरा आपके सामने बचा है 0.25 बटे आर स्क्वायर, कितना, आर स्क्वायर। आइए हम लोग इसको हल करते हैं, अगर इस पॉइंट को काटा जाए तो यहाँ 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक आगे डबल संख्या था, हमने 100 हटा लिए, तो देखिए 25 चौके 100 यानी आपके सामने क्या मिला है, 1/0.4 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 आर स्क्वायर आया है, कितना आया है, 4 आर स्क्वायर आया है। अब हम करते क्या है, यहाँ से जो है अगर हम करें क्या, इनका इनसे मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम करते क्या है, इधर दो इधर से दोनों तरफ से क्या करते हैं, कर्ली हटाते हैं, क्या करते हैं, कर्ली हटा, सॉरी गाइस अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अच्छे तरीके से आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग वो कर लेते हैं, इधर से स्क्वायर हटाए, इन दोनों का स्क्वायर हटाओगे तो इस प्रकार लिख सकते हो, 1/0.4 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 को 2 कर रहे हैं, 2 आर का होल स्क्वायर, देखिए 2 आर का होल स्क्वायर करोगे तब भी 4 आर स्क्वायर आएगा, यहाँ 0.4 प्लस आर का होल स्क्वायर कर दिए, ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अब आपके सामने बचा 1/0.4 प्लस आर बराबर 1/2 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2R बराबर 0.4 प्लस R आ गए, ये R इधर आ जाएंगे, 2R माइनस कितना हो जाएगा, R बराबर 0.4, 2R में से 1R घटा दिए, R आ गया 0.4, तो R का मान कितना आ गया, 0.4।
कितना आ गया, आर का मान 0.4 आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप 0.4, कहने का मतलब ये है कि हम लोग करते क्या हैं कि B से अगर 0.4 मीटर, मीटर था ना, हाँ मीटर था, 0.4 मीटर की दूरी पर अगर आवेश रख देते हैं, कहाँ से, B से 0.4 मीटर दूरी पर आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान समान हो जाएगा। अगर A से पूछा तो A से 0.4 और 0.4 जोड़ दो तो 0.8 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि B से यदि Q आवेश को 0.4 मीटर दूरी पर रखे तब आवेश बल शून्य हो जाएगा, और A से 0.8 मीटर दूरी पर रखे तब लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग जो है सवाल को हल कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर सवाल से भागिएगा मत गाइज। और मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ गाइज कि हर एक चैप्टर का आपको मित्तल का हर एक सवाल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर एक संडे को आपकी क्लास आती। पर थोड़ी सी गाइज एक बात है, आप लोग जो है प्यार अपना नहीं दिखा रहे हो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो। आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है हफ्ते में। आपको अगर आप इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए तो आपको ये हर एक जो आपको हफ्ते में एक लेक्चर आ रहा है इसका, हफ्ते में आपका दो लेक्चर आने लगेगा। अगर आप लोग इस बार इस वीडियो को जो है अच्छा खासा प्यार दिए, अगर आपने जो है इस वीडियो को जो है 500 या 1000 के व्यूज में पहुँचाए तो हम आपको, तो ये जो आज की लेक्चर हर एक रविवार को आती है तो आपको हफ्ते में दो दिन मिलने लगेगी क्लासेस। तो आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करता है हर एक क्लास गाइज। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इस बार इस वीडियो पे काफ़ी प्यार जताओगे अपना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइज हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, कह रहा है ना कि आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ रहे होंगे गाइज, हर एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको आप मिला लिया करो। क्या सवाल वही बताया जा रहा है, क्या कोई दूसरा सवाल नहीं हो सकता, तो आप उसको ज़रूर मिलाया करें। ठीक, ध्यान दीजिए क्या है, कह रहा है कि 5×10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सोचिए क्या कह रहा है कि 5×10⁻⁴ कूलम आवेश, यानी Q का मान 5×10⁻⁴ कूलम दिया है। ठीक, आगे कह रहा है आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यह बराबर हो गए 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक, अब आपको क्या कर रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको ई पूछा है तो आप क्या करेंगे, आपको बताया गया था ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होता है एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ का मान कितना है, 2.25 बटे क्यू नॉट, क्यू का मान, या तो आप क्यू भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो क्यू का मान कितना है 5×10⁻⁴। ध्यान दीजिए, ये आप पॉइंट क्लिक काटोगे तो यहाँ पर जो है एक लिख के डबल जीरो लग जाएगा, क्योंकि एक यहाँ दशमलव के नीचे आगे दो अंक थे ये हट गए, तो आपके सामने क्या आया 225/5, ये 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो +10⁴ हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 100 को आप 10⁻² लिख सकते हो, ये दो ठो यहाँ से कट जाएंगे, 5×5 = 20, 5×5 = 25, यानी 45 आ जाएगा, 45×10⁻² कितना आ गया, 10⁻² आ गए। तो भाई आपका ई का मान ये आ गया 45×10⁻². आप आगे इसको और हल करना चाहते हो तो और हल कर सकते हो, आपका आंसर आया है 4.5×10³, 4.5। तो आप ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट आप यहाँ पर ला दीजिए, तो 4.5×10³ न्यूटन प्रति कूलम, ये ई का मान आ गया। तो इस प्रकार आपका 25 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, अगली सवाल क्या है, अगली सवाल क्या है 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। एक आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न नंबर 26, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र का मान दे दिया ई बराबर 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में से उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, अर्थात ई एफ ज्ञात करना है।
यफ ज्ञात करना, यफ ज्ञात तब होगा जब आपको आवेश पता होगा। तो क्यू का मान दिया है एक अल्फा कण, क्यू का मान दिया है एक अल्फा कण। तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, अल्फा कण पे आवेश होता है 2×1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्या होगा आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 2×1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6×10⁻¹⁹। तो गुणा कर दें 16×2=32, तो 3.2, ठीक 3.2×10⁻¹⁹ कूलम। ये क्यू का मान आया, किसका मान आया, क्यू का मान आया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यू का मान आपने निकाल लिया, आपको एफ का मान ज्ञात करना है। एफ का मान, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पे लगने वाले बल का व्यंजक होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। आता कहाँ से, यहाँ से ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से, ठीक क्यू नॉट से। तो क्यू का मान कितना है 3.2×10⁻¹⁹, ई का मान कितना है 15×10⁴, ठीक ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट काट के यहाँ बटे 10 लगा लेते हैं, इनको काटते हैं। देखिए 5×2=10, 5×3=15, 2×1=2, 16×2=32, यानी नीचे कुछ नहीं बचा, वहाँ 16×3×10⁻¹⁹×10⁴, ठीक 16×3=48 और 19 में से 4 घटा दिए 10⁻¹⁹, ठीक ये पॉइंट एक अंक इधर ला दिए, 4.8×10⁻¹⁄ न्यूटन का बल लगेगा गाइज। तो इस प्रकार आपका ये भी सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 26 नंबर भी। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले चाहिए। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर जब आप पॉइंट को एक अंक इधर ले की एक अंक इधर ले गए तो यहाँ से एक अंक इसमें प्लस हो जाएगा, तो एक अंक प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 14, ठीक इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 आपसे क्या कर रहा है, जो कि गाइज ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है 2010 में, ये यूपी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया होगा। क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, आपको उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर के कारण लगने वाला भार बल ध्यान दीजिएगा बराबर विद्युत बल, बराबर इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला विद्युत बल। वो प्रश्न में खुद कह रहा है कि ये दोनों बराबर हों भाई, इलेक्ट्रॉन के भार के कारण जो बल लगेगा वो और इलेक्ट्रॉन के विद्युत के कारण जो बल लगेगा वो दोनों बराबर हों तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए किसी भी किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण जो भार बल होता है वो होता है यम इंटू जी, यम इंटू कितना होता है जी होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होता है क्यू इंटू ई, तो यहाँ क्यू क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ रख देंगे तो एम जी बराबर ई इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई का मान चाहिए ये विद्युत क्षेत्र है तो इधर हम कर देंगे तो एम जी अपान कितना आ जाएगा ई बराबर कैपिटल ई। चलिए मान रखते हैं यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10⁻¹⁹ और जी का मान होता है 9.8, ई का मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ बराबर ई। ध्यान दीजिए ये 19 और ये कट जाएंगे, ठीक इतने कट गए। अब आपके सामने क्या बचा ध्यान दीजिए गाइस, आपके सामने बचा है 9.1×9.8 बटे कितना आ गया 1.6
यहाँ 19 कटा, यहाँ 10 घाते माइनस 12 बचा, कितना बचा 10 घाते माइनस 12 बराबर ई। ठीक, अब आप इनको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 5.51, 5.51 गुणे 10 घाते माइनस 11 न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मान मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, आप इसे हल करोगे तो ये ई का मान आपको मिल जाएगा गाइज। इस प्रकार आपका जो 27 नंबर है वो कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। 28 कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम के नाभिक के कारण, सोचिए कि ये आपका हीलियम हो गया और ये हीलियम का क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो हीलियम के नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कर दीजिए, गणना कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या कह रहा है कि कोई हीलियम का नाभिक है, उससे एक एंगस्ट्रॉम मीटर की दूरी पर, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो है कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं माना बिंदु P, माना बिंदु P एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, की दूरी पर है जिसपे क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात, हम लोग एक एंगस्ट्रॉम को बदल देंगे तो 10 घाते माइनस 10 मीटर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। उसके बाद दूसरी बात, हीलियम के नाभिक पर आवेश, हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होता वो पता होना चाहिए। नाभिक पर आवेश जो होता है क्यू बराबर दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तो या तो हम लिख सकते हैं दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तो ध्यान दीजिए, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ हल करोगे 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम आ जाएगा। ठीक, तो अब आइए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा K Q/R2। K का मान 9 × 10⁹ Q का मान 3.2 × 10⁻¹⁹ और R का मान कितना है 10⁻¹⁰ है, 10⁻¹⁰² इसको हल करते हैं। ऊपर 9 × 3.2 आ जाएगा 19, ये 10⁻¹⁹ और गुड़े 10⁻¹⁹ नीचे 10 × 20 तो 10⁻¹⁰ आ गए। ठीक, ध्यान दीजिएगा 10⁻¹⁰ ये इनसे कट जाएंगे, ऊपर एक बचेगा, कितना बचेगा ध्यान दीजिएगा, नीचे एक बचेगा 9 × 3.2, ये ऊपर गए तो 10⁻¹⁹ हो गए, ये पॉइंट काटे बटे 10 लग गए, 10 से 10 कैंसिल, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 1 = 28, 288 × 10⁻¹⁹ 2 अंक इधर आए तो 2.8, 2 अंक उधर आए 9 × 2 = 11, तो 10⁻¹⁹ न्यूटन प्रति कूलाम आ गए गाइस। तो इस प्रकार आप ई का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2.8 × 10⁻¹⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। जी बिल्कुल, आपका आंसर आया 2.88 × 10⁻¹⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक गाइज, तो आप इस सवाल को जो है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइज, अगर सवाल समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़बरदस्त कीजिएगा, क्योंकि आज आप इस वीडियो पे जितना प्यार दिखाओगे आपको जो है आगे उतनी ज़्यादा वीडियो इसकी मिलेंगी। ठीक गाइज, तो चलिए चलिए गाइज, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि 2012 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न यूपी 2012 में पुटअप किया जा चुका है एक बार। तो कह रहा है 5 × 10⁻¹⁸ कूलाम बिंदु आवेश से, 5 × 10⁻¹⁸, तो क्यू का मान 5 × 10⁻¹⁸ कूलाम दिया है। कह रहा है इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी, कितनी दूरी पर। तो माना r दूरी पर
स्थित आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या ज्ञात करना, आर ज्ञात करना, बी दूरी पूछ रहा है ना, हम फार्मूला जानते हैं, ई बराबर 1/4πε0Q/r2। इतने पूरे का मान होता है 9×10^9, क्यू का मान दिया है 5×10^-8 और आर स्क्वायर ये आपको ज्ञात करना है, ई का मान पहले पता है 450। ठीक, देखिए अब करते क्या हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ 450 रखते हैं, 9×5=45, 9 में से 8 घटा दिए 10 बचा, बटे आर स्क्वायर, तो भैया ये कट जाएंगे पूरे, 45 × 450 कट गए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, बराबर आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाए तो आर का मान आ गया 1, तो भैया आर का मान कितना आ गया, 1 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों का जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल, गाइस आज के सेशन का लास्ट सवाल करा है, एक बिंदु आवेश एक मीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो वैद्युत आवेश का मान क्या होगा, Q का मान पूछ रहा है गाइस। तो इस सेशन का, इस लेक्चर का ये लास्ट सवाल होने वाला है। अगर अब भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो गाइस शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, E=1/4πε0Q/r2। तो E का मान कितना है, 450, इसका मान होता है 9×10^9, ये Q आपको ज्ञात करना, R का मान कितना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला गाइस। तो इन सबको हम लोग इधर की तरफ कर देते हैं, इन सबको हम लोग इधर की तरफ करेंगे तो बटे में आ जाएंगे, तो 450/9×10^9, ठीक, बराबर कितना आ गया, Q, ये देखिए 9×9=45 और ये 0 से 0 आ गए, यानी मिला जुला के ये ऊपर गए गाइस, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 50×10^-9 बराबर Q, तो 1 यहाँ आप कम कर सकते हो, 1 0 यहाँ से 1 पावर कम कर देगा, 5×10^-8 कूलम, ये आ गए क्यू का मान, क्यू का मान कितना आ गया, 5×10^-8 कूलम। तो गाइज इस प्रकार ही आपका 30 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा, और गाइज आप लोग जो है वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, टॉप 10 क्लासेस की तरफ से आप लोगों को थैंक यू।